दिस चैनल SYL गाना रिलीज हो चुका है. द फुल फॉर्म ऑफ SYL इज सतलुज यमुना लिंक. ऑल्दो हम सब जानते हैं जिन्होंने ये गाना सुन लिया है, जो ये रिएक्शन देख रहे हैं उसमें से मुझे लगता है 99% लोग जानते होंगे कि ये गाना किस बारे में है. सतलुज यमुना लिंक का जो एक मुद्दा चलता आ रहा है कितने टाइम से, फ्रॉम आई थिंक 1960 हरियाणा पंजाब से अलग हो जाना, पंजाब का पानी यहाँ ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे वादे होना, पॉलिटिशियंस के साइड से सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए एक पानी को लेके इतने बड़े वादे करना, एक मतलब जो चीज़ें गलत होती आ रही है उन सब चीज़ों के बारे में तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में या अपनी कुर्सी ले लेने के चक्कर में कितने वादे कर देते हैं, कितना कुछ कहते, लेकिन उसके पीछे वहाँ रह रही आम जनता का क्या हाल होता है वो उस चीज़ को बिल्कुल नोटिस में नहीं रखा जाता. तो ये गाना रिलीज़ हुआ है SYL बाय सिद्धू मूसेवाला. हमारे बीच वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन जब उनका क्रियाक्रम चल रहा था उस वक्त उनके फादर की तरफ से स्टेटमेंट दी गई, मैं ना मतलब उस टाइम पे देख रही थी कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो. उन्होंने कहा कि चाहे वो हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन आने वाले 4-5 सालों तक मैं ये वादा करता हूँ कि मैं सिद्धू मूसेवाले को आपके बीच में ज़िंदा रखूँगा. तो कुछ ऐसे गाने हैं जो रिकॉर्डेड हैं बट हमारे बीच नहीं आए. सुनते हैं SYL गाना, देखते हैं क्या है ऐसा इस गाने में. ऑल्सो मैं ये चीज़ देख रही थी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कि ऐसा बोला जा रहा था कि अगर SYL गाना तब रिलीज़ होता जब वो होते हमारे साथ तो हो सकता था कि ये गाना बैन हो जाता या वो अरेस्ट हो जाते. क्या है ऐसा इस गाने में, हम ये गाना सुनते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है. स्टार्ट. पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है. एक सेकंड. स्टार्ट होते हुए ना एकदम नए गाने में उनकी आवाज सुनना, ये सिद्धू मूसेवाला विद दैट ओल्ड एटीट्यूड, मुझे तो स्टार्टिंग में तो गाना शुरू भी नहीं हुआ तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे गूज़बम्स वाली फीलिंग आ रही है यार. सानू साडा पिछोकर ते साडा लाड़ा दे दियो, चंडीगढ़ हिमाचल ते हरियाणा दे दियो, जिन्ना चिर सानू सोवरेनिटी दा राह नहीं देंदे उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं देंदे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन सिद्धू मूसेवाला इज गिविंग टू यूथ कि भाई ऐसा ही एक एटीट्यूड होना चाहिए. सोवरेनिटी, यहाँ हकों की और आज़ादी की बात की गई और तब तक तो पानी क्या एक बूंद नहीं मिलने वाली है. Let me read. कुछ facts लिखे हैं यहाँ पे. रिहाई दे दो, ओ जिन्ना चिर साडे हथों हथ कड़िया ला नहीं दिंदे. Can you please guys tell me in the comment section कि जिन्होंने ये पीछे कैमरा की साइड देख के ही just pass the smile, कौन है वो? मुझे ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं है बट मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी. प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना. मुझे पता है आप लोगों को इस टाइम ये लग रहा होगा कि यार मैं गाना बीच में बार बार रोक क्यों रही हूँ, क्योंकि ये गाना है ऐसा. ये ऐसा गाना नहीं है जिसे बैठ के आप सिर्फ सुन रहे हो एंजॉय कर रहे हो. SYL गाना टाइटल से ही और जिस तरीके की बातें चलती आ रही थी उसमें ऐसा ही मेरे को पहले से था कि नहीं, मैं एक एक लाइन को अच्छे से डिकोड करने वाली हूँ, अच्छे से इस गाने के बारे में बात करने वाली हूँ कि रिएक्शन के जरिए ही सही. क्या पता जिन लोगों को, जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो बहुत सारे लोगों को SYL के मुद्दे के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या पता मेरे जरिए बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएं. तो अगर आप ये रिएक्शन इसलिए देखने आए हो कि आपको सिर्फ रिएक्शन देखने और ये गाना चलता जाए तो आई एम सो सॉरी. आज मैं एक एक लाइन को अच्छे से सुनने वाली हूँ, समझने वाली हूँ, अपनी ही समझ से इसे डीकोड करने वाली हूँ. तो हम इसे
अच्छे से देखेंगे। Another 12 किलोमीटर लॉन्ग टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सुंदरनगर एंड सतलुज रिवर। आई थिंक ये तब की बात है जब ये बनना स्टार्ट हुआ था। क्यों पगा नाल खेंदा फिरदा टोपी आलिया? Is he talking about the ruling party in Punjab? No doubt. I don't know. Kuch bhi ho sakta hai. और वहां पे लाल किले पे जाके निशान साहब का जो वो फ्लैग है वो चढ़ाया था वहां पे। ये आवाज जानी पहचानी है। नंगल, रोपड़, चंडीगढ़, अंबाला। सो यहाँ पे ये ना उसका मैप बनाया हुआ है रिवर्स का, जिसमें से ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एडिटर, मतलब ये गाना बेसिकली ये हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कहाँ से कौन सी नदी का बहना और एरियाज की भी बात की गई है। तो मुझे लगता है इस गाने में सारे, जैसे हरियाणा वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, राइट, हिमाचल वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब दोनों का वो देना पड़ा। हालांकि मोस्टली रूल्स चंडीगढ़ में पंजाब के ही अप्लाई होते हैं, विच इज ओके, विच इज एकदम सही। तो जब एक बड़ी जगह से देखो, आधा पार्ट पंजाब का चला गया पाकिस्तान में, ठीक है, बाकी बचा थोड़ा इंडिया में, उस पंजाब के भी आगे और टुकड़े हो गए, अब उन नदियों में से भी और टुकड़े करने हैं, पंजाब के पास क्या रह जाएगा? खेती छोड़ो, पीने के लिए बचना है कुछ या नहीं बचना है? ये उसी की बात कर रहे हैं जब दोबारा से SYL, बीच में क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग हुई थी ये SYL की तो काफी काम शुरू हो गया था, बार बार ये अपील की जा रही थी, अर्जी डाली जा रही थी कि SYL जो ये बनाना है केनाल इसको बंद कर दिया जाए, पर नहीं बंद हुआ। उसके बाद ये गए थे वहां पे अपने ही लोगों के साथ और वहां के सिक्योरिटी गार्ड, जैसे उनके पास बंदूकें गए थे, सिक्योरिटी गार्ड पीछे कूद के मतलब उन्होंने छलांग लगा दी थी, ही वॉज डेड। और तब से दोबारा अभी तक पंजाब की साइड से काम नहीं चल पाया जो हेडक्वार्टर था वहां पे। तो ये उन्हीं की बात की है कि वैसा बनना पड़ेगा।
गंगा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। जनरल डायर वो 1919 वाला जो अमृतसर में हुआ था, उसके बाद हमने वो मूवी देखी थी ना विक्की कौशल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मूवी, नाम मैं भूल रही हूँ यार, लेट मी जस्ट चेक, मतलब चैन नहीं आएगा जब तक मैं ये चेक नहीं कर लूंगी कि वो कौन सी मूवी थी। The name of the movie was सरदार उधम सिंह, yes, all right, सरदार उधम सिंह। और हमने उनका भी देखा था कि जाके उन्होंने कैसे शूट किया था। Each one of you is the last hope of protecting the Punjab river waters to prevent desertification of Punjab. Trying to inspire the youth. तो इस गाने में SYL टाइटल तो हमने देखा, लेकिन उसके साथ साथ जितने मुद्दे लाए जा सकते थे वो दिखाए। ऑल्सो इस गाने को सुन के और साथ ही इस वीडियो को देख के मैंने एक चीज रियलाइज की है कि आप एक ही बार में दोनों चीजें नहीं अच्छे से फोकस कर पाओगे। आप या तो गाने के लिरिक्स पे फोकस कर पाओगे या फिर आप वीडियो पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि वीडियो और ऑडियो अलग अलग चल रहा है। वीडियो में हमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि बार बार रुक के हमें देखना पड़ रहा है, तो इसे बार बार सुनेंगे तो और समझ में आएगा। बट हाँ, ये जरूर है कि पंजाब का पानी पंजाब के पास ही रहे, उस चीज को बचाने के लिए यूथ को बहुत तगड़े तरीके से इस गाने में इंस्पायर किया गया है। पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग गाना बना है, किस किस पार्टी को टारगेट किया है, जिस पार्टी के अंडर ये सारे काम हुए थे हम सब जानते। खैर, वो सब मुद्दे बात के मैं ये सोच रही हूँ कि जिस वक्त, और ये बात सच है, अब तो मुझे भी रियलाइज हो रही है कि जब उन्होंने गाना लिखा था वो आज होते और ये गाना रिलीज होता तो क्या होता। और फ्री सिख प्रिजनर्स की भी बात की गई है कि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्हें रिहाई नहीं मिली अब तक, केस खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, पर उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है जेलों से। अपने खुद के जस्टिस के साथ साथ और बहुत सारे चीजों के जस्टिस की मांग कर गए वो इस गाने में। मेरे कहने का मतलब, गाने में उन्होंने अपने जस्टिस की बात नहीं करी है, वो एक अलग बात हो गई है, बट साथ में ही दूसरों के हकों की भी बात कर गए। तो जो वो लिखते थे वो तो हम जानते थे यार क्या था। वो होते आज तो चीजें बहुत अलग होती। जागो पॉलिटिशियंस, बड़े सारे मुद्दे, देखो जीतने के लिए पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, सिर्फ मुद्दे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से भी निकाल के लाए, कुछ भी मन घड़त बनाए, चाहे फिर वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल कुछ सेंटीमेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिशियंस को सिर्फ और सिर्फ मुद्दे चाहिए। वो आप हो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हो, हम लोग हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, आम जनता। तो बस हमें ये खोल के रखना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें उनको ये मौका ही नहीं देना है कि वो हमारे साथ खेल सके। दैट्स इट फॉर द रिएक्शन गाइज, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।